हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बेसिक इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट वन बताया था, जिसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था। ये उसका भाग सेकेंड है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला भाग है उसको हम बोलते हैं पेंसिल। दोस्तों, आप जानते हो पेंसिल, सभी जने जानते हैं पेंसिल, लेकिन आप में से बहुत ही कम जने होंगे जो ये जानते होंगे पेंसिल भी कई प्रकार की होती है। आज मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी पेंसिल्स होती है वो 18 प्रकार की पेंसिल होती है, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इन जो पेंसिल होती है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। हर एक कैटेगरी में छः छः पेंसिल होती है, तो तीनों कैटेगरी में टोटल पेंसिल होगी हमारी 6 × 3 = 18 पेंसिल। जो 3 कैटेगरी होती है दोस्तों पेंसिल, इसमें पहली आती है कठोर पेंसिल, दूसरी आती है मध्यम पेंसिल, तीसरी आती है नरम पेंसिल। ये तीनों छः छः भागों में डिवाइड रहती है। तो जो सबसे कठोर पेंसिल होती है उसको हम बोलते हैं 9H। क्या बोलते हैं दोस्तों? 9H। आपको बताता हूँ मैं, जो सबसे कठोर पेंसिल होती है उसको हम बोलते हैं 9H पेंसिल, ये वाली 9H पेंसिल। और जो सबसे सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है उसको हम बोलते हैं 7B। क्या बोलते हैं दोस्तों? 7B, ये हमारी सबसे सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे है। 3 टाइप की पेंसिल है, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्ड पेंसिल के बारे में। हार्ड पेंसिल मैंने बताया सबसे कठोर कौन सी होती है? 9H। तो बस आप ये याद कर लीजिए, ये 9H। आप उल्टी गिनती कीजिए, 8, 7, 6, 5, 6 गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और 6। ये इन सब के आगे HH लगा दीजिएगा, HH HH। तो ये होगी हमारी हार्ड, ठीक है। 9H 8H 7H 6H 5H एंड 4H, ये हमारी पेंसिल होगी हार्ड पेंसिल के अंदर। दूसरी आती है हमारी मीडियम मीडियम पेंसिल। वो कहा हमने कहा था छोड़ दिया था 4S तक छोड़ दिया था, अब आएगी इसमें 3S से स्टार्ट होगी, ये हो जाएगी 3S से, 3H 2H H एंड अब क्या आएगा, अब सोचो, अब आएगा HB। और एक होती है स्पेशल पेंसिल, उसको बोलते हैं हम F। 1 2 3 4 5 और एक को कौन सी बच गई? देखो दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3, एक मिनट दोस्तों, कहाँ रुक रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था पेंसिल के बारे में, इसमें भी 6 होती है, तो ये भी स्टार्ट वैसी होगी जो आपने छोड़ा था, 3H 2H H HB एंड F। ठीक है दोस्तों, ये 6 पेंसिल होगी, गिनने में मैंने मिस्टेक कर दी थी, अब नहीं होगी। अब अगली पेंसिल आती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पेंसिल। सॉफ्ट पेंसिल भी 6 होती है दोस्तों। हमने जैसे आपको बताया कि सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, 7B सबसे सॉफ्ट होती है, तो इससे हार्ड हल्की सी सॉफ्ट 8B, ना सॉरी 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 6B, 6B दोस्तों, 6B 6B, फिर 5B, फिर 4B, फिर 3B, गिन लीजिए 6, 1 2 3 4 5 और एक और आ जाएगा 2 2B। तो ये 2B से स्टार्ट होगी दोस्तों और 7B तक चलेगी। कहाँ से कहाँ तक? 2B से 7B तक, ये सॉफ्ट की होगी, ठीक है। हार्ड की कहाँ से थी? 9 से लेके 4 तक, 9H से लेके 4H तक ये हार्ड थी। और जो बीच की पेंसिल थी वो आ जाएगी हमारी मीडियम के अंदर। जो पेंसिल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, मतलब आप जब उल्टी गिनती गिनना शुरू करोगे तो वहाँ पे आपको बस एक HB लिखना है और एक F लिखना है। चलो दोस्तों, ये तो ही पेंसिल के बारे में बात है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एज क्या होता है। पेंसिल के अंदर जो एज होता है इसका मतलब होता है दोस्तों हार्डनेस। क्या होता है इसका मतलब? हार्डनेस मतलब कठोरता, मतलब कि जितनी ज़्यादा पेंसिल कठोर होगी वो उतना ही हल्की लिखेगी। मतलब जो 9H पेंसिल है वो सबसे कठोर होती है, लेकिन उसका जो लिखने का जो स्टाइल होगा बहुत ही हल्की चलेगी। और दूसरी जो बी होता है उसको हम बोलते हैं बी पेंसिल, बताता ना मैंने सबसे सॉफ्ट 7B। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्लैकनेस। क्या होता है दोस्तों? ब्लैकनेस। तो इस ब्लैकनेस का मतलब होता है कालापन, हिंदी में बोले तो कालापन। मतलब तो जितनी सॉफ्ट पेंसिल होगी वो उतना ही गहरा चलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कन्फ्यूज करने के लिए, कठोर मतलब हल्का और हल्का मतलब कठोर चलती है पेंसिल, मतलब गाढ़ा चलेगी, ठीक है। तो ये पेंसिलों के बारे में बात खत्म हुई। वापस बता देता हूँ एक बार शॉर्ट के अंदर पेंसिल क्या होती है। पेंसिल 10 टाइप की होती है, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल एंड नरम पेंसिल। ये पेंसिल टोटल 18 है, सबको डिवाइड किया गया, छः 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 भाग होते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। मतलब 6 पेंसिल हार्ड, 6 पेंसिल सॉफ्ट एंड 6 पेंसिल
नरम, ठीक है, 9H सबसे कठोर, 9H और सबसे नरम 7B। गिनती आपको बताई थी कैसे करनी है, उम्मीद करता हूँ आ गया समझ में। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पेंसिल के बारे में, देखो मैंने इसको शॉर्टकट कर लिया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए पढ़ लीजिए। ये पेंसिल है, ये मध्यम पेंसिल है और ये नरम पेंसिल। दोस्तों एक बात और बताना मैं भूल गया, इन कुछ पेंसिलों को उपयोग किया जाता है। जो मध्यम पेंसिल होती है दोस्तों, उसको हम सेंटर लाइन खींचने के लिए काम में लेते हैं, मतलब मध्यम रेखाओं को खींचने के लिए हम मध्यम पेंसिल को काम में लेते हैं, और दूसरी जगह का काम में लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर हम मीडियम पेंसिल मतलब मध्यम पेंसिल को ही हम काम में लेते हैं। तो ये बात हुई ख़त्म पेंसिल की। कुछ पेंसिल्स का कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे देखो दोस्तों ये पॉइंट्स पेंसिल के आप देख सकते हैं, ये शार्प है, ये ब्लंट है, ये अलग अलग पेंसिलों के कुछ हिस्से होते हैं, तो उनका कुछ यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। तो वो कहाँ पे कैसा यूज होगा चलो बताते हैं। जो ये शार्प है, ये शार्प वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, शार्प वाला पेंसिल, ये जो शार्प पेंसिल का अगर पेंसिल शार्प है तो हम इसको काम में लेंगे कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशंस, डायमेंशन जब जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन लाइंस खींचनी है वहाँ पे हम इस पेंसिल को यूज में लेंगे। जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मतलब कुछ भी निर्माण कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का या किसी भी एक्स वाई जेड चीज़ का, वहाँ पे लाइनें खींचनी होगी तो वहाँ पे हम शार्प पेंसिल लेंगे। ब्लंट पेंसिल कहाँ पे काम में लेंगे, ब्लंट पेंसिल हम वहाँ पे काम में लेंगे दोस्तों हमें लेटरिंग करने के लिए, मतलब हमें किसी चीज़ का अगर कोई नोट डाउन करना है ड्राइंग शीट के ऊपर तो हम वहाँ पे ब्लंट पेंसिल को काम में लेंगे। ऐसे को जूम करके बता देगा ऐसे ही, ठीक है आया समझ में। चलो अगला टॉपिक आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्टर मतलब चंदा मामा, पता था चंदा मामा जानते हो, तो प्रोटेक्टर है मतलब चंदा मामा की वजह से हम काम में हम अलग अलग कोण को हम ड्रा कर सकते हैं, मतलब ये दो रेखाओं के मध्य हम एक तो कोण को मतलब एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम एंगल दो रेखाओं के मध्य हम एंगल ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है। प्रोटेक्टर जो होता है दो टाइप में अवेलेबल होता है, एक तो हाफ में एंड फुल में। हाफ वाला ये है दोस्तों, ये हाफ है, और फुल वाला ये इधर की तरफ, ये फुल वाला, ये फुल वाला है, ये फूल है। इन सब में अलग अलग कोण से अलग अलग है, आप इससे एक एक डिग्री के कोण भी मेजर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर दोनों ही कोण नापने के लिए काम में लेते हैं, तो हम इसको प्रोटेक्टर को काम में क्यों ले गए या फिर हम सेट स्क्वायर को काम में क्यों ले गए। सही बात है ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो जनरेट होगा ही ना आपके दिमाग में। तो बताता हूँ दोस्तों, जो सेट स्क्वायर होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं उसमें जो वो एक ट्रायंगल होता है उसमें, वो ट्रायंगल वो तीनों कोणों का 180 होता है, लेकिन उसमें जो पैमाना होता है मतलब जो एंगल होता है फिक्स होता है। मैंने आपको पता था सेट स्क्वायर में दो टाइप के होते हैं, एक तो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर एंड 32-60 डिग्री का सेट स्क्वायर, मतलब एक तो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर में एक तो एंगल 90 का होता है, और जो दो एंगल होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं, और जो दूसरा होता है 30 एंड 60, उससे हमें तो 30 डिग्री का एंगल नाप सकते हैं, दूसरा 60 डिग्री का। लेकिन अगर हमसे इनसे बीच के कोण नापने हो तो वो सेट स्क्वायर के मदद से ड्रॉ करने में थोड़ी परेशानी आती है, तो उस परेशानी को सोल्व करने के लिए प्रोटेक्टर को काम में लिया जाता है। इससे हम एक एक डिग्री के कोण को भी मेजर कर सकते हैं। तो यही है उद्देश्य प्रोटेक्टर का। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ लीजिए कि क्या है प्रोटेक्टर, जो बताया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगला टॉपिक, ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन क्लिप्स एंड सेलो टेप को यूज कहाँ पर होता है दोस्तों। ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग बोर्ड मार्केट में अलग अलग साइज़ के अवेलेबल होते हैं, उसी के आधार पर ड्राइंग शीट्स होती है और उसी के आधार पर टी स्क्वायर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो हम ड्राइंग शीट को हम सेट मतलब स्थिर रख कर हम ड्राइंग कर सकते हैं। अगर हमने ड्राइंग शीट को स्थिर नहीं रखा मतलब हमने उसको सही जगह से नहीं चिपकाया, तो ड्राइंग करते समय या कंस्ट्रक्शन या ड्राइंग करते समय वो शीट इधर उधर हिल सकती है, जिससे हमारी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। इसलिए उसको कॉन्स्टेंट करना जरूरी है, कॉन्स्टेंट मतलब उसको फिक्स करना जरूरी है। इसके लिए हम ड्राइंग पेंस को काम में लेते हैं, क्लिप्स को या सेलो टेप को काम में लेते हैं। अब दिक्कत आती है कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ड्राइंग बोर्ड बड़ा है और हमारी ड्राइंग शीट छोटी है, तो हम क्लिप्स को काम में ले सकते हैं और प्लिंस को भी काम में ले सकते हैं। देखिए आइए देख सकते हैं पिन, ये वाली पिन, ये पिन काम में ले सकते हैं या फिर ये क्लिप्स काम में ले सकते हैं। ये पिन जो होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है या फिर स्प्रिंग की या फिर प्लास्टिक की बनी हो सकती है, इन तीनों चीज़ों से बनी होती है। लेकिन आप ये खुद सोचो, अगर ड्राइंग बोर्ड के अंदर हमारी ड्राइंग शीट छोटी है और इसके अंदर हम ये वाली पिन को इस्तेमाल लगाए हमारे ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए, तो हमारे एक रिस्क होती है कि जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है उसके अंदर कहीं खड्डे नहीं पड़ जाए, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड ख़राब ना हो। इसके लिए आजकल जो है हम इस सेलो टेप को काम में लेते हैं। इससे क्या होता है, सेलो टेप से ड्राइंग शीट फिक्स भी हो जाती है और हमारा ड्राइंग बोर्ड भी बच जाता है, अगर ड्राइंग शीट छोटी है तो। ठीक है, बड़ी हो तो फिर हमें सावधानी से इसको काम में लेना पड़ेगा। इसको इसको तो आजकल लेते ही नहीं दोस्तों आजकल काम में।
ड्राइंग बोर्ड खराब कर देगा ना, इसलिए तो जो वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए, जो जो बताया सब है यहाँ पे। चलो अगला टॉपिक आता है डस्टर। डस्टर क्या होता है दोस्तों? आपने ड्राइंग करी होगी बचपन बचपन के अंदर, तो आप कुछ भी ड्राइंग करते हो, कभी कभार कुछ गलत ड्रा हो जाता है या कुछ छूट जाता है, तो हम डस्ट रबड़ काम में लेते हैं, रबड़ से हम उसको मिटा के वापस ड्राइंग बनाते हैं हमारी। तो उसी तरह से वही सही इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग शीट पे हमने अगर कुछ भी ड्रॉ किया और कुछ भी गलती से मिस्टेक ली, कुछ भी गलत सलत ड्रा हो गया, तो हम उसको रबड़ से मिटा देते हैं। रबड़ से मिटा देने के बाद क्या कुछ डस्ट या डस्ट ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उसके बाद रह जाती है, जिसको ड्राइंग शीट को क्या खराब 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 दिखती है। तो विद द हेल्प ऑफ डस्टर, डस्टर की मदद से हम उस गंदगी उन डर्ट्स को मिट्टी विट्टी डस्ट रबड़ के जो अवशेष होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं डस्टर की मदद से, जिससे हमारी ड्राइंग जो जो ड्राइंग शीट है वापस साफ सुथरी हो जाती है। तो ये काम है डस्टर का। वीडियो को पॉज कीजिए, आपको दिख जाएगा जो बोला है वो सब यहाँ पे है। दूसरा था ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट के बारे में आप जानते हो, जिसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। बाजार में ये बहुत अलग अलग साइज में अवेलेबल है, लेकिन हमारा जो BSI है, BSI मतलब पता था ना मैंने कल आपको, ब्यूरो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार हमारे भारत में सिर्फ 5 ही प्रकार के ड्राइंग शीट को हमने 5 प्रकार के ड्राइंग शीट्स को हमने मान्यता दी है, A0 से लेके A4 तक। जानते होंगे आप, फोटोकॉपी कराते होंगे ना, तो A4 साइज तो बताता हूँ वो A4 है क्या। A0 से स्टार्ट होता है, A0 A1 A2 एन A3 एंड F4, ये 5 सीट बजाज में अवेलेबल है। देखिए दोस्तों आपको बस ये इनकी साइज है, बताता हूँ कैसे याद करना। ये देखो ये A0 A1 A2 A3 A4, ये अलग अलग साइज़ की ड्राइंग शीट अवेलेबल है। पहली वाली साइज है इनकी 841x1189। तो ये आपको क्या, इसकी ये बस ये वाली याद रख लो, पहली याद रख लो बस, या तो ये याद रख पहली याद रख लो, बाकी पूरा काम हो जाएगा। अभी नीचे वाला गायब हो गया, उस पर ध्यान मत रखो, ये याद कर लो आप, मैं बताऊंगा पूरा कैसे बनाना है, बस ये याद कर लो, 841x1189। ठीक है, पहली वाली शो करती है विड्थ को और दूसरी वाली शो करती है लेंथ को। ठीक है, तो आपको बताता हूँ, जैसे आपने याद कर लिया पहला A0 के 841x1189, तो ये 841 है ना, देखो दोस्तों ये 841 जस्ट इसको ऐसा का ऐसा दूसरी में डाल दो, जस्ट पेस्ट कर दो, यहाँ पे दिख रहा ये डाला। ठीक है, इस पर डाल दिया। अब ये जो है सेकंड वाला 1189, इसको आधा कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 594। पॉइंट अगर आए छोड़ देना, तो देखा ये 594 यहाँ पे दिख गया, आया दोस्तों। और ये 841 इधर आ गया, बस इसी तरह 594 है, वापस इसको इधर डाल दो, 420 को इधर डाल दो, 297 को इधर डाल दो, आया याद करने का तरीका। और जो है यह वाला का, ये सेकंड वाले का, इसको आधा कर दो, नीचे डाल दो, 841 का आधा 42 0.5, 5 को इग्नोर करो, 420 यहाँ पे लिख दो, 594 का आधा 297 डाल दो, इधर से इसी तरह से 210 240 240 का आधा 210। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कुछ ही नहीं करना, एक याद कर लो, एक याद कर लीजिए, A0 841x1189। अब बस इनको इस तरह से डाल दीजिए, 841 594 420 इधर जो दिख रहा है वो सब इधर, और ये जो है इस वाले को आप आधा करता, जो लेंथ है इसको आप आधा कर दीजिए, और इसकी विथ में डल जाएगा वो अगली का, जस्ट डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये ड्राइंग शीट बनाने का बहुत ही आसान तरीका हो गया, जो ये हमारे भारतीय मानक में है, पहुँच कीजिए, याद होगी होगी आपको। तो ड्राइंग शीट काम में के लिए थे, ऑब्वियसली बात है, ड्राइंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो एक इंजीनियर क्या करेगा, एक इंजीनियर अपने विचारों को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेगा, या फिर कंस्ट्रक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करेगा। तो बस इसलिए ड्राइंग शीट काम में लेता है। तो ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ, इनकी साइज़ A0 से लेके A4 की, समझ में आ जाएगी आपको दोस्तों, इतनी हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। अब ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ लेते हैं, तो क्या होता है जो ड्राइंग शीट होती है ना दोस्तों, ड्राइंग शीट कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से ये ड्राइंग शीट होती है, मैं बताऊंगा आपको। ड्राइंग शीट में क्या होता है, जानते हो उसके 4 कोने होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाया बाया। तो इसमें क्या होता है, इसके कुछ रूल्स है, रूल्स क्या है, ऊपर नीचे दाया मतलब टॉप बॉटम और राइट को आप 15 mm की जगह से छोड़ दीजिए, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा बाया उसको वो मिनिमम क्या 30 mm तो हमें छोड़नी ही है।
जो जितनी भी मेजरमेंट बता रहा हूँ ना 200 mm के अंदर होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर। 30 mm आप लेफ्ट में छोड़ दीजिए और बाकी आप 15 15 छोड़ना है, मिनिमम छोड़ना है, ऐसा हमारा BSI कहता है। BSI मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या BSI बोलिए, BIS बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें देखो जस्ट इसमें आपको ये तो मैंने बता दिया आपको, टॉप बॉटम राइट में 15 15 15 और लेफ्ट में 30 mm छोड़ना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर यहाँ पे भी कुछ ड्राइंग कर रहा है, तो ये जो ड्राइंग है दोस्तों इसको हम बोलते हैं टाइटल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाइटल बॉक्स। ये भी हमें ड्रा करना जरूरी होता है जब भी ड्राइंग शीट के ऊपर। इसकी जो साइज होती है वो होती है 185 x 65 विथ, और ये लेंथ पहले विथ लिखते हैं फिर बाद में लेंथ लिखते हैं, आपको पता ही होगा। तो ठीक है ये MM में होता है, ये भी आपको पता ही रखा मैंने, MM 65 MM। तो ये हो गया 185 इधर से और 65 इधर से, या 60 लिख रखा है, गलत लिख रखा दोस्तों, या 65 है, ठीक है। तो ये होगी ड्राइंग शीट्स, पहचान कर इसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स में क्या काम होता है? टाइटल बॉक्स में हम लिखते हैं कौन बना रहा है, कौन चेक कर रहा है, नाम क्या है, शीट का नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, वो सब आता है टाइटल बॉक्स के अंदर। इसके अंदर बहुत ये बहुत ज़रूरी होता है टाइटल बॉक्स, इससे आना इससे हमें पता पड़ता है कि आके जो ड्राइंग शीट है वो है किस चीज़ की, ठीक है। देखो ये टाइटल बॉक्स है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिख रहेगा नेम, क्लास और नंबर, स्टेशन नंबर, स्केल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, शीट नंबर, स्केल, कुछ ने चेक करी, टाइटल ऑफ द शीट क्या है, ये सब टाइटल बॉक्स के अंदर आता है। जो बोला है पोज करके देख लीजिएगा आराम से, सब एक एक चीज़ें बोली मैंने, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है पैमाने की निरूपक भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल। ये एक तरीके से दोस्तों मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था स्केल फैक्टर, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। जिन जिन लड़कों ने क्लास अटेंड नहीं करी है उनको बता देता हूँ यहाँ पे उनका रिविजन, और जिन्होंने के लिए जिन उनको पता पड़ जाएगा, और जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनका रिविजन हो जाएगा। तो जो ये है रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल, इसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर दोस्तों, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है बताया था ना आपको, स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर होता है जो हमने ड्राइंग शीट पे जो साइज बनाई है वर्चुअल साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए, वर्चुअल साइज बटा ओरिजिनल साइज। जो हमने ड्राइंग शीट पे साइज बनाई है उसको हम वर्चुअल बोल रहे हैं, और जो ओरिजिनल साइज है किसी ऑब्जेक्ट का वो इसका अनुपात को हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। ये सेंटर से वैसे ही है, तीन टाइप का होता है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल एंड एनलार्ज स्केल। अगर स्केल फैक्टर 1:1 है इसका मतलब ये तो ओरिजिनल वाला होता है, इधर वाला ये ओरिजिनल होता है, और ये जो होता है हमारा वर्चुअल होता है, ठीक है, जो हम ड्रॉ करते हैं। अगर ये 1:1 है इसका मतलब है कि जो हमारे जो साइज है, जो हमने ड्राइंग शीट पे जो साइज बनाई है और जो वास्तव में रियल में जो ऑब्जेक्ट है दोनों की सेम साइज है। अगर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2:1 लिखूँ तो ये है एक इनलार्ज साइज। इनलार्ज साइज मतलब ओरिजिनल में तो साइज उसका एक है लेकिन हमने उसको बड़ा कर दिया। ये क्या काम में आता है? ये काम में आता है जैसे हम मशीनों के पुर्जे बना रहे हो, घड़ी के पुर्जे, टेलीविजन के पार्ट्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको अगर मैं ड्राइंग शीट पे भी वैसा बनाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हम उसको क्या थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1:2, 2:1, 20:20:1, ये सब इनलार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनलार्ज मतलब बड़ी हुई, इनलार्ज ड्राइंग, इनलार्ज ड्राइंग, आया समझ में? इसको बोलते हैं इनलार्ज ड्राइंग। और दूसरी होती है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग इस तरह से होता है 1:2 इस टाइप में अगर बोलता है। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे रिड्यूसिंग में भी यही रहेगा सेम का, और यहाँ पे क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा 0.5 इस टाइप का अकॉर्डिंग, इस टाइप में मतलब ओरिजिनल बड़ा रहेगा और ये छोटा, ये इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। मतलब जो वास्तव इसको हम कहाँ काम में रहते पहले बताता हूँ, जैसे मकान, मकान के साइज हुए है, फैक्ट्री की साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको ड्राइंग शीट पर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या उसके अनुपात को बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे हम इसको काम में लेते हैं रिड्यूसिंग को। देखो दोस्तों पूरा जो बोला है वो सब यहाँ पे है, फुल साइज 1:1 दिख रहा है आपको, 1:1, ठीक। दूसरा है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग बताया दोस्तों मैंने आपको, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1:100, बात वही है, ओरिजिनल बड़ा वर्चुअल छोटा, कैसे भी कर सकते हो, बस वर्चुअल छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर वर्चुअल बड़ा हो गया इसका मतलब वो इनलार्ज, देखो
यहाँ पर रेशो डिवाइड कर देगा 1:100, तो ये हो गया रिड्यूसिंग, क्योंकि ओरिजिनल 100 है और वर्चुअल छोटा है, इसलिए इनलार्जिंग बता ही दिया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है स्केल। दोस्तों स्केल क्या होती है, स्केल जानते हो आप सभी, लाइन खींचने के काम में आता है स्केल। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, स्केल भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्लान स्केल और दूसरी होती है डायगोनल स्केल। प्लान स्केल, प्लान प्लान स्केल, और दूसरी होती है डायगोनल स्केल, DIAGNOL। डायगोनल स्केल ही दो स्केल होती है, अलग अलग काम में आता है। सबसे अच्छी स्केल कहूँगा मैं तो होती वो होती है डायगोनल स्केल, सबसे बेस्ट स्केल होती है, क्योंकि इससे हम छोटा सा छोटा मेजरमेंट भी नाप सकते हैं। प्लेन स्केल भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़े उस हिसाब से काम में लो। अगर हमें बहुत छोटे मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम प्लेन स्केल को काम में ले सकते हैं, और जैसे 0.1 mm की ज़रूरत चाहिए या 0.2 mm की ज़रूरत चाहिए तो हमें डायगोनल स्केल काम में लेना होगा इस कंडीशन में। उस स्केल में ये प्लेन स्केल आपका यूजलेस हो जाएगा। तो प्लेन स्केल की मदद से हम पहले बताता हूँ प्लेन स्केल में जो होता है उसके अंदर हम लाइनें खींच सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विद द हेल्प ऑफ प्लेन स्केल। इसके अंदर जो होता है ये दो सेक्शंस में डिवाइड होती है, पहला डिवीजन और दूसरा होता है सब डिवीजन। छोटे छोटे भाग देते हो ना आप स्केल के ऊपर, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, इससे हम दो ही, मतलब जो प्लेन स्केल होता है उससे हमसे दो ही मेजरमेंट ले सकते हैं। जो मेजरमेंट होता है, जो जनरली मेजरमेंट होता है, वो एक तो होता है मीटर और दूसरा होता है किलोमीटर। इससे भी हम दो ही मेजरमेंट ले सकते हैं प्लेन स्केल की मदद से। और बाकी और जो तीसरा होता है डायगोनल स्केल के अंदर, उसके अंदर हम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं दो प्लेन में, और तीनों के तीनों ले सकते हैं हम डायगोनल के अंदर। इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्केल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे RF। RF क्या होता है, स्केल फैक्टर। RF को दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल। दूसरा वही मैंने बताया था स्केल फैक्टर, दोनों सेम है, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। दूसरा, नापने के लिए एक अधिक लंबाई चाहिए, लंबाई थोड़ी अच्छी रहेगी तो अच्छे सही रहेगा नापने के लिए। और तीसरा जो डिवीजन दिखाना है, ये इस तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को हम डिजाइन करते हैं। कुछ यूनिट्स है याद कर लीजिए, बहुत काम में आएगी इंजन टैंक के अलावा और दूसरी जगह भी काम में आएगी। 1 किलोमीटर क्या होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर होता है 10 हेक्टोमीटर। जानता हूँ 1 किलोमीटर को आप जानते हो, 1 किलोमीटर होता है इजिकल टू 1000 मीटर्स, बट स्केल्स के लिए आपको याद करना पड़ेगा हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर के अंदर। तो 1 किलोमीटर होता है 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर क्या होगा दोस्तों, 1 डेकामीटर हो जाएगा 10 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा 10 डेसीमीटर। देखो दोस्तों, डेसीमीटर और डेकामीटर में कन्फ्यूज ना होना, डेकामीटर बड़ा होता है डेसीमीटर से। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 मिलीमीटर, और 1 हेक्टर को बोलते हैं, ये अलग ही है पर उसी से इसी से मिलकर बनाया है, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल स्केल के बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको, तीन मेजरमेंट काम में लेते हैं, कौन कौन से, मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। ऊपर वाले दो से प्लेन और तीसरा डायगोनल की मदद, डायगोनल स्केल की वजह से काम में लेते हैं। दूसरा एडवांटेज मैंने बताया कि जहाँ हमें बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट नापने होते हैं वहाँ पे हम काम में लेते हैं डायगोनल स्केल को, जैसे 0.1 mm, 0.2 mm निकालना हो तो वहाँ पे हम डायगोनल स्केल को काम में लेते हैं, वहाँ पे आपका प्लेन स्केल मेजरमेंट फेल हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जो पढ़ाया है सब आपको दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा Part 2 ख़त्म होता है। इसके अलावा हम दो अलग नया टॉपिक आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इससे थोड़ा एडवांस लेवल होगा। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह वीडियो बनाता रहूँ तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।